नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। और राजधानी भोपाल के मानस भवन में मेकअप आर्टिस्ट का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 700 से अधिक मेकअप आर्टिस्ट ने भाग लिया। इसमें अभिनेत्री सपना सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। सपना सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिससे मेकअप आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सपना के कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि राजधानी भोपाल में इस तरीके के कार्यक्रम होते रहना चाहिए जिससे मेकअप आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। सपना ने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म कृष्णा, जिसमें वो रोल अदा कर रही हैं, वहीं उन्होंने अपने सारे चाहने वालों से कहा कि वे इस फिल्म को ज़रूर देखें। भोपाल से संवाददाता प्राची कश्यप की रिपोर्ट। चीफ गेस्ट बुलाया, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल ब्यूटी सेमिनार रखा गया है। सेलिब्रिटी गेस्ट आई है, मेकअप आर्टिस्ट भी है, जिन्होंने ये छोटे छोटे जो है आर्टिस्ट आए हैं, मेकअप आर्टिस्ट और इस सेमिनार में 75 से भी ज्यादा मॉडल सब प्रेजेंट किए यहाँ पर, और भी आएंगे जो कि मेकअप करवाएंगे। और रैंप वॉक भी होने वाला है उनका, बहुत ही अच्छा शो जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। और सभी जो आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट सभी ने जो अटायर वेयर किया है वो पिंकी स्टाइल स्टूडियो की तरफ से है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे जो सेमिनार्स हैं ये भोपाल में होते रहना चाहिए ताकि नए नए युवक और युवतियों के लिए जो है नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता है मेकअप का। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी का कि वो भोपाल आए। कार्यक्रम को कितना सक्सेस मानते हैं युवाओं के लिए? बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलेगी युवाओं के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।